हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज इंटीग्रल कैलकुलस के इस पार्ट में रिडक्शन फार्मूले पार्ट 12 करेंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से बच्चों को लिमिटेशन, जो लिमिट यूज़ करना होता है उससे प्रॉब्लम होती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछने जाने वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम के रियल क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, देखो इसमें गिवन है, इफ 0 टू पाई बाई टू एक्स पावर एन साइन एक्स डी एक्स इक्व टू, ठीक है, ये आई एन इक्व टू है। ये इक्व टू अगर आई एन गिवेन है, आई एन लिखा नहीं है मैंने, अगर आई एन गिवेन है तो आपको प्रूफ करना है ये चीज़, ये पूरी वैल्यू ये इतनी प्रूफ करनी है। देखो ये क्वेश्चन तो है आसान, इसको करने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे अगर कभी दो पार्ट एक चीज़ दी हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट किसको पकड़ते हो। हमें पता है आईलेट, आई एल ए टी, आईलेट का मतलब क्या हो गया। देखो हमें दो चीज़ें इसमें दिख रही है, एक एलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। तो एलजेब्रिक पहले आ रहा है देखो आईलेट में, तो एलजेब्रिक वाले फंक्शन को फर्स्ट पार्ट पकड़ेंगे और जो दूसरा बच्चा है ये सेकंड पार्ट पकड़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा यहाँ पर आ रहा है बाद में, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 टू पाई बाई 2 तो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये मैं डायरेक्टली अगर इसका इंटीग्रेशन करूँ कर ही देता हूँ, एक्स टू द पावर एन साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ये चीज़ है ना। और ये इसका जब आप लिमिट रखोगे 0 टू पाई बाई 2, ये चीज़ तो कन्फर्म है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, अगर पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स होल टू द पावर एन माइनस 1, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन के साथ कॉस एक्स, और ये डी एक्स। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन को काफ़ी शॉर्टकट कर लेंगे। देखो ये वाला अगर पार्ट देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट अगर आप ये पार्ट देखिए, अगर पाई बाई टू रखोगे, अपर लिमिट रखोगे तो ये पाई बाई टू हो जाएगा, कोसाइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है जीरो, ये पूरा अपर लिमिट में जीरो। अगर जब आप जीरो लोअर लिमिट रखोगे तो ये जीरो जब रखोगे तो एक्स पावर जीरो का मतलब ये पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू जीरो, ये जीरो हो गई तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ये चीज़, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब अपर और लोअर लिमिट रखने के बाद ये पूरी जो वैल्यू ये वाली है ये जीरो हो जाएगी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जीरो हो गई तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ छोड़ो। अब आइए आई एन इक्व जो होता है एक्चुअल में, इंटीग्रेशन तो हम इसी कर रहे हैं, ठीक। अब इसको देखिए, इस नेगेटिव साइन को अगर आप बाहर लेके आओगे तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस साइन, और चाहे तो इसमें n को बाहर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ ऐसा है। इसको लिख लो x टू द पावर n माइनस 1 कोसाइन x dx। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, कभी भी क्वेश्चन जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया रहता है x के पावर n और x साइन के फॉर्म में, ऐसी कुछ चीज़ें इंटीग्रेशन वाले पार्ट में उनको मिलना चाहिए, तभी आप इसको आई एन, आई एन माइनस वन, आई एन माइनस टू, वट एवर जैसा भी ये वैल्यू बनता है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोसाइन है, तो कोसाइन है तो आप इसको किसी टर्म में लिख नहीं पाएंगे, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार आपको और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करोगे तो एन को हम बाहर ले लेते हैं और एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसकी इसी को लोगे, एलजेब्रिक वाले को, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड ले लोगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को लो, फर्स्ट फंक्शन एक्स पावर एन माइनस वन कोसाइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक, और माइनस साइन के साथ फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन और एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ठीक, और कोसाइन का ये साइन एक्स और डी एक्स, ये बात क्लियर है इतनी। यहाँ पे आपका ब्रैकेट, अब n का जब मल्टीप्लिकेशन करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप देखिए ये क्या है, ये 0 टू पाई बाई 2 पे सब कुछ चल रहा है, तो ये 0 टू पाई बाई 2 अगर इस पर अगर आप लिमिट लगाएंगे तो 0 टू पाई बाई 2 यहाँ पे लिमिट, और ये 0 टू पाई बाई 2 ये चल रहा है, ये लिमिट रखा हमने, ठीक। अब देखिए इसी को कैसे करोगे आप, ये हमारा आई एन तो जो चल रहा है उसको मैं एज लिख रहे हैं, इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, आई एन इक्व टू क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को देखिए। अब देखिए इसमें अगर 0 टू पाई बाई 2 रखोगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर जब पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 दे देगा, पाई बाई 2 माइनस 1 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब अपर लिमिट में क्या बच जाएगा, अपर लिमिट में बच जाएगा पाई बाई 2
माइनस वन पाई बाई टू होल की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, और आपका ये एन है तो एन है। अब देखो जीरो रखोगे ना, तो जीरो रखोगे तो ये एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो लोअर लिमिट से हमें जीरो मिलेगा तो लोअर लिमिट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप एन का भी मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये एन भी है। ठीक, अब उसी वाले पार्ट में आ जाइए, दूसरे वाले पार्ट में जो दोबारा हमने इंटीग्रेशन किया है, देखिए ध्यान से यहाँ पे दोबारा जो इंटीग्रेशन किया है, तो यहाँ पे देखिए एन माइनस वन, देखो ये चीज़ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। अब ये चीज़ देखिए, ये एक्स के फॉर्म में है और ये साइन के फॉर्म में है, ये एक्स के फॉर्म में है ये वाला चीज़ और ये कोसाइन साइन के फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ हम टर्म बना सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इस चीज़ को जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऐसा कुछ हो जाएगा, ये आप एन माइनस टू कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये एन माइनस टू बाहर कॉमन। अब n का मल्टीप्लिकेशन जो आपने देखिए, ये ब्रैकेट के बाहर आपने n लिखा था, यहाँ पे जब ये ब्रैकेट जब हटाओगे आप, हटाओगे तो n का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करोगे और इसके साथ भी n का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे भी, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एन इंटू एन माइनस वन इन न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस टू और साइन एक्स। अब आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। देखिए ये तो एन इंटू पाई बाई टू माइनस वन हमें इस चीज़ को तो हमें मिल गया, और एन इंटू एन माइनस वन भी हमें मिल गया, ये चीज़ कन्फर्म है। इस चीज़ को जब लिखोगे ना तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो पावर क्या हमारा एन माइनस टू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली आई एन माइनस टू, है ना। और अब ये चीज़ देखिए, ये आई एन के क्वेश्चन चल रहा है, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल प्रूफ्ड हो चुका है। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करिए तो ये क्या हो जाएगा, आई एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन आई एन माइनस टू लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एन इंटू पाई बाई टू होल टू द पावर एन माइनस वन, और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया। और ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन था आसान, बट ये है कि इसमें चीज़ें आपको थोड़ी सी बड़ी इसलिए ले सकती हैं, तो ये वैल्यूज आई एन आई एन माइनस टू लिखने का तरीका पता होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें बच्चों को लिमिट लगाने की जो प्रॉब्लम होती है, इस क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं प्रूफ करने वाले वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम के साथ जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए वो चीज़ अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है, और लास्ट में क्वेश्चन आप इजीली करके लेके जाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम, एंड आई होप आपके प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो।